दो सेकंड संशोधन से डायरेक्ट सेल्डिट है पूरी उर्दू डॉक्यूमेंट है ना उर्दू डॉक्यूमेंट ट्रांसफर डी से मैं लिया मेरे से उमर लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है। बल्लागुड़ा बिस्मिल्लाह कॉलोनी में एक प्लॉट लिया मैं 100 स्क्वायर यार्ड्स का, देखे 8 महीने हो गया। उसके बाद एक शेख फरीद नाम करी आए, आके उन्होंने क्लेम कर रहे हैं मेरा प्लॉट है, तो मैं पीएस को गया जाके कंप्लेंट करा उनके नाम पे करा, तो पीएस में बुलाए मेरे को डॉक्यूमेंट्स लेके आओ बोले, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आ, किसी से लिए पूरों को बुला बोले, पूरों को बुलाया बाल रेड्डी साहब से लिया हुआ हूँ मैं पट्टेदार, और उन कोर्ट का ऑर्डर भी रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट देख के लिए हुआ हूँ। आप कब लिए थे? मैं लेके 8 महीने हुआ, दिसंबर में लिया था। उन्होंने रिसेंटली 1 मंथ पहले आए, फिर 20 दिन तक मैं पीएस को आया गया पीएस में कुछ भी रिजल्ट नहीं हुआ, तो 20 दिन के बाद शेख फरीद आके मेरी बाउंड्री तोड़ दिए, तो फिर मैं पीएस को गया साहब, उन्होंने बाउंड्री तोड़ दिए बोले, तो अजीज साहब और सर्कल साहब और मेरे को बोल रहे पीएस को नहीं बाउंड्री पे नहीं जाना, तुम पीएस को आओ बोल के सुबह शाम भी जाए आए। फिर मैं कोर्ट को अप्रोच हुआ, कोर्ट से जाके ऑर्डर लिया मैं कोर्ट को, ओएस नंबर आ गया मेरा, कोर्ट में गया करा बात तो ओएस नंबर आ गया मेरे, फिर कंप्लेंट भी करा मैं, फिर 10 जने मिल गए अटैक करे मेरे ऊपर, ये एमएलसी है उसकी, ये एक्नॉलेजमेंट है, ये एक महीना पहले कंप्लेंट करा सो, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है पूरे। अब फिर मैं गया, आज गया तो वहाँ बोल रहे अजीज साहब और सर्कल साहब बोल रहे कि आप माने जाना पीएस को, आपके पर एफआईआर करते वो करते बोल के बोल रहे, मतलब कैसा करते साहब, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं आया मैं लिए हुआ हूँ, मेरे ऊपर कैसा एफ आई आर करते बोले, तो उन्होंने कुछ रिपोर्टरों के साथ मिलके पीएस मैनेज करे कहते, अजीज साहब बोले मेरे को 2 लाख रुपये वहाँ दे रहे, आप 3 लाख रुपये दियो, मैं क्या है ख़त्म कराता हूँ आपके अंडर में, दे दूँ प्रॉपर्टी बोले, तो मैं 1 रुपया भी नहीं दे सकता हूँ साहब बोल के बोला, तो उन्होंने ठीक है नहीं दे सकते तो केस बुक करते तुम्हारे पे, जेल को जाओ तुम, एफ आई आर करते तुम्हारे पे बोल के, मेरे को टॉर्चर करते रहे पुलिस वाले, ये पैसे दियो बोल के अजीज साहब के अल्फाज है जी, रिकॉर्डिंग भी है मेगन, रिकॉर्डिंग में मैं बोल रहा हूँ भी साहब मेगन पैसे एडजस्ट नहीं हो रहे, मैं नहीं दे सकता हूँ, तो ठीक है तू पी एस को आ, तेरे पे एफ आई आर करता हूँ केस बुक करता हूँ बोल के, पूरे रिकॉर्डिंग वीडियो सब है, और मैं कोर्ट को गया सो ये फोटो भी है, ओएस नंबर भी लिख दिया मैं, काम नहीं करना रहा साहब, मैं बोला ये सिविल मैटर है साहब, ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर है बाल रेड्डी साहब का, कोर्ट में रिफर कर दो आप मेरे को भी, उनको बोले तो कोर्ट को नहीं यहाँ फैसला करना, पी एस में जाना, पी एस को जाना पड़ता तेरे को, कुछ भी हो कहीं भी फिर ले, कोर्ट को गया तो क्या करना तेरे को बोल के डरा रहे, एफ आई आर करते बोल के बोल रहे मेरे ऊपर ना जायस, पुलिस के वाले जुलूम कर दे रहे साहब, एफ आई आर करते बोल के डरा रहे, पी एस से फुल मैनेज है, मैं साइड पर जाते कि शेख फरीद बोल रहे सर्कल साहब एस आई साहब मैनेज है, उनसे जाके बात कर लो, यहाँ न्याना साइड पे दोनों से बात करो बोल के बोल रहे, क्या बात करना बोलूँ आप जाते बोलना एफ आई आर कर देते बोल रहे, मैं छू कब्जे पे, उन्हों शेख फरीद आ रहे हैं तो मैं रुका दे रहा हूँ, चलो बात करेंगे कोर्ट में, नया काम कराना बोल के मैं रोक रहा हूँ, मैं सिविल से कोर्ट से हर जगह सीधा आना चाह रहा हूँ, पर उन्होंने मजबूर कर रहे हैं कुछ भी लड़ना झगड़ना, मैं नहीं लड़ना चाह रहा हूँ 1 महीने से, खाली कोर्ट पी एस चाह रहा हूँ। किससे लिया आप प्लॉट? मैं बाल रेड्डी साहब से लिया, खरीद लिया प्लॉट, खरीद को कौन लाए मार्केट में खरीद, वो अहमद जाबरी से लिए हो रहे, अहमद जाबरी किससे लिए पट्टेदार है ना कुछ है उन्होंने, मैं बोला जिससे लिया पट्टेदार कौन है उनके बताओ एविडेंस बोले, तो मर गए बोल के बोल रहे, उन्होंने जिससे लिए उन्होंने मर गए कहते, शेख फरीद जिससे लिए उन्होंने मर गए नहीं आ सकते बोल रहे, तो आपके पर एफआईआर कराने की वजह ये है कि फुल मैनेज है पुलिस वाले, और एक मैं अजीत साहब से कॉल पे बात करा वो भी रिकॉर्डिंग है, अजीत साहब उसमें क्या बोल रहे पैसे की रिकॉर्डिंग है उसमें, और साहब आपको वही 3 दिन 8 दिन फिर आप एक जवाब नहीं दिए, सुबह हो शाम हो कल हो पर
माँ बोल के खाली फिरा रहे थे आप। ऐसा पैसे तो अर्जेंट है मेरे ऊपर, मैं पोजीशन पे जाकर काम कर लेता हूँ साहब। एफ आई आर भी करे बोल के मालूम हुआ मेरे नाम पे, मैं पुलिस से कोर्ट से हर जगह से सीधा सीधा काम करना चाह रहा हूँ। पुलिस मजबूर कर दे रही जाके लड़ना झगड़ना, फिर भी मैं एक महीने से बर्दाश्त कर रहा हूँ। उन लोगों से पैसे ले लिए कर लेके उन लोगों को फुल सपोर्ट करे। उन साइड पे जाते कि शेख फरीद बोरे अजीत साहब से सर्कल साहब से जाके मिलो वो करो बोल के मेकू बोरे वहाँ जाके मिलते ही उन पैसे तू दे रहा तो तेरा करते नहीं तो फिर ऐसी फिरते रहे बोल के बोल रहे अजीत साहब सर्कल साहब दोनों। और मेरी कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे करप्टेड ऑफिसर्स रहे तो पुलिस वालों के ऊपर भरोसा उड़ जाता सर। हम लोग परेशान हो गए इधर उधर फिरना पड़ता। मैं ऑलरेडी 10 बार बोला मैं कोर्ट को रिफर हो गया साहब बोले तो फिर भी मेरे को टॉर्चर कर रहे पैसे देने तो केस बुक करते बोल के ऑलरेडी।